नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लद्दाख सीरीज के एक नए वीडियो में। आज साउथ पुल्लू से हम जा रहे हैं डिस्किट मोनेस्ट्री की तरफ, जो यहां से आता है लगभग 90 किलोमीटर और फेमस है लद्दाख की सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा के लिए। तो आसमान साफ है, धूप खिली हुई है और रोड ट्रिप के लिए है बहुत ही सुहाना दिन। तो दोस्तों, अभी नुब्रा वैली में चल रहे हैं हम लोग और रास्ते में देखिए क्या शानदार नज़ारे हैं। ये शायोक रिवर है ठीक हमारे पीछे, ये देखिए। यहाँ पे ठंड उतनी नहीं है, अभी ऑक्सीजन तो भरपूर मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं, पूरे फुल मज़े आ रहे हैं यहाँ पे। और क्या शानदार नज़ारे हैं भाई साहब, यहाँ आना तो बनता है लाइफ में। वाओ, जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हो अभी हम पहुंच चुके हैं ठीक पीछे शानदार बुद्धा की मूर्ति। काफ़ी औसम जगह है। एज़ यूजुअल लद्दाख में हर जगह हवाएं चल रही हैं, पर यहाँ ऑक्सीजन का उतना इशू नहीं है, ऑक्सीजन काफ़ी ठीक है। और हाँ, ठंडी है और ठंडी तो हर जगह मिलेगी आपको। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया, एकदम मस्त, शांति है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है एकदम, पूरा मज़ा आ रहा है। तुम्हारा क्या कहना है? काफी अच्छा है, काफी शांति है ना। तो दोस्तों, ये है डिस्किट मोनेस्ट्री जो है नुब्रा वैली में, और हम लोग लेह से चले थे सुबह करीब 9 बजे और यहाँ पहुँच गए दोपहर 1 बजे के आसपास, और काफ़ी मज़ा आया। आप देख ही रहे हो हवा बहुत तेज़ चल रही है, पर ऑक्सीजन का इशू नहीं है यहाँ पे, ऑक्सीजन काफ़ी है, लेकिन हवाएं बहुत तेज़ है क्योंकि ये वैली में आता है तो बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, पर बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। हम जाने वाले वापस कार में और यहाँ से जाएंगे नुब्रा वैली के दूसरे एरियाज देखेंगे, और मेरे ठीक पीछे भी आप देख सकते हो मोनेस्ट्री के बाकी इलाके। इधर की तरफ भी देखेंगे तो शानदार वैली पूरी दिखती है, यहाँ से खूबसूरत नज़ारे हैं। तो जब भी आप यहाँ पे आए तो ये मिस मत कीजिएगा नुब्रा वैली में डिस्किट मोनेस्ट्री। अपना स्तूपा और ये है मोनेस्ट्री। डिस्किट स्तूपा देखने के बाद हम लोग आए हैं डिस्किट मोनेस्ट्री, और ये पूरा पीछे देखेंगे ये मोनेस्ट्री है, काफ़ी ऊंचाई पे बनी हुई है, पर ऊपर नहीं जा पा रहा मैं, समय का अभाव है और ठंडी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो अगर आप स्तूपा देखने आएंगे तो मोनेस्ट्री भी देख सकते हैं, ये पूरी जो है मोनेस्ट्री है। अब हम यहाँ से जाने वाले हैं हुंदार, वहाँ नाइट स्टे करेंगे और सुबह जाएंगे पैंगोंग लेक देखने। तो चलिए चलते हैं हुंदार। गाइस, अब हम डिस्किट मोनेस्ट्री से आ चुके हैं हुंदार में, और आप मेरे पीछे देखिए क्या शानदार वैली है ये।
और हुंडर फेमस है अपने डबल हम्प बैक कैमल राइड के लिए। अब हम वहीं जा रहे हैं, पूरा डेजर्ट का इलाका है ये लद्दाख का। वाइट सैंड मिलेगी यहाँ पे, राजस्थान जाते हैं तो वहाँ पर येलो सैंड या रेड सैंड मिलती है, यहाँ पे पूरी वाइट सैंड मिलेगी। तो चलिए करते हैं डबल हम बैक कैमल राइड, बहुत मजा आएगा, चलिए। रेट वेट का पता करते हैं क्या रेट पे ऊँट की बुकिंग होती है। आई थिंक कैमल तो उधर ही है यार। ओ भाई क्या ऊँट है यार, सुंदर सुंदर। अबे लामा जैसे लग रहे हैं यार, जबरीले ऊँट। गुस्से में कब आ गए थे, करा भाग गए थे। अगर खाटू में चल रहे इनको बैठ के चल खड़ा। 400 रुपये बता रहे हैं एक ऊंट का, 400 पर पड़ा। गिरते तो लगेगा नहीं ना, गिराएगा नहीं। आप लोग बिल्कुल चिल्लाना नहीं है, जो मावला रावला है वो बांधना है, वो हवा में उड़ेगा ये भी डर जाएगा। चिल्लाना नहीं चाहिए, ऊपर वाले का नाम लो। मजा ले रहे भाई, ये क्या बता रहे, मंगोलिया मंगोलिया पाया जाता साउंड को, मंगोलिया में नसल जो है मंगोलिया का नसल। अच्छा, मंगोलिया में एक पाए जाते हैं और दूसरा हिंदुस्तान में इस जगह पे। ये डबल उस वाला, डबल हम वाला और कहीं नहीं। डबल हम के दुबई में भी देखे हैं, उनके बाल नहीं होते इतने बड़े बड़े, गर्मी वाले। गर्मी है ना, अभी जा गर्मी बढ़ते जाएगा ना, इसका भी बाल झड़ते जाएगा। अच्छा, इसका भी पतला हो जाएगा फिर, ये झड़ना शुरू हो रहा है ना। अच्छा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो इन बाल का यूज नहीं करते कुछ, बना लो इससे कपड़ा वपड़ा। बाल का कीमत ही, इसका कीमत ही ज्यादा है बाल का। अच्छा, कपड़ा बनता है इसके बाल से। अच्छा भाई, मेरा तो बीच वाला आया काला, खतरनाक लग रहा है, रंजीत जैसा लग रहा है। डोन डोन रंजीत, डोन रंजीत है भाई, मेरा वाला तो बीच वाला है, मेरा वाला तो सेड वाला है। आने के बाद बावड़ बिल्ला ले लूंगा, बीच वाला है मेरा वाला, ये वाला मेरा बीच वाला। आगे रिपोर्ट, आगे रिपोर्ट, आगे रिपोर्ट, आगे रिपोर्ट, आगे रिपोर्ट, ये वाला भाई। और आंदो ना बैठे सर, आराम से बता दो यार कैसे बैठना है, को पकड़ना है, ठीक है सर। रस्सी, ये आगे वाला रस्सी की पीछे वाला रस्सी, पीछे वाला क्या सर? ये ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला। हाँ, उड़ गया, उड़ गया। अरे भैया बसंती उड़ गया, अरे मजा आ रहा है भैया। मेरे वाले का नाम क्या है इसका, है नकपो, डेंजरस लग रहा है काफी। ओ भाई बाल देखो, इसके बाल, अब इसके बालों में जेल लगाया गया तो खड़े बालों से सही है ना, डरने का नहीं भाई लोगों, माउंटेन ड्यू मिलेगी। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? तो भाई लोगों अपनी राइड शुरू हो गई है कैमल की, धीरे धीरे चल रहा है भाई अपना, मजा आ रहा है। काफी गर्म लग रहा है, बाल इसके बड़े बड़े हैं। अरे चिल्लाओ नहीं, ये डर जाते हैं, चिल्लाओ। हाँ, चिल्लाओ नहीं भाई, दौड़ने लगे ना तो फिर पता चले। ये सब मेल है कि फीमेल है? अच्छा, तुमने शादी नहीं हुई इन सबकी? इनका बीवी घर में रहता है। करो हरकतें, कुछ चिल्लाना मत। अरे साथ साथ चलना है भैया, आपकी मर्जी यार। ठंड नहीं लग रही इसके ऊपर बैठ के, बड़ा मजा आ रहा है मेरे को, गरम गरम लग रहा है ये। सीधा हो जा, तिरछा हो रहा है तू। हाँ,
ऊंट की ज्योमेट्री अलाइन नहीं हो रही तेरी। तो गाइज ये हमारे ट्रिप के कपल हैं, मैरिड, और ये साथ जाते हैं हमेशा। तो देखो साथ दो ऊंट उनको मिला है एकदम बगल बगल, और एक रंडवा आगे जा रहा है लाल फोन लेके। गाइस अमेजिंग एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया। जब भी हुंडर आइए ये जरूर ट्राई कीजिएगा। भाई इसके बाल कितने मस्त है यार, 2000 रुपए किलो लेके जाएंगे तो दे दोगे ना? आधा किलो ले लेंगे भाई 1000 रुपए के। अरे रजाइयां भरूंगा, गर्म रहेगी यार, बहुत गर्म है इसका यार। मेरी टांगों के बीच में इतनी गर्माहट लग रही है ना मुझे, जब से बैठा हूँ मजा आ रहा है पूरा। इसके बाल से कपड़े बनते हैं और दूसरे आइटम भी बनते हैं, तो काफी कीमती है ये, काफी कह सकते हो लद्दाख की इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा रोल है, महत्वपूर्ण योगदान है। और ये इंडिया के अलावा मंगोलिया में पाई जाती है ये वाली वैरायटी। नाइस लैंडिंग यार, मजा आ गया। तो गाइस ये थी डबल हम कैमल राइड। अब फीडबैक के लिए इनसे बात करते हैं। तो दोस्तों क्या फीडबैक आप लोगों का, कैसा लगा? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, गजब था। डबल हम कैमल के लिए यहीं आना पड़ेगा, और कहीं नहीं मिलता है। अच्छा ओके, पहली बार की कैमल राइडिंग तो बहुत मजा आया। पहली बार करी है लाइफ में? मैंने भी फर्स्ट टाइम की है। तो इन्होंने पहली बार करी है, सीधा लद्दाख में करी है, सोचो कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। मैंने राजस्थान की पिछले महीने करी थी, गर्मियों वाली, जाड़ों वाली, ये हो गई, दोनों बेहतरीन है, पर ये वाली बेस्ट है, मानना पड़ेगा। ऊंट ने मेरा पैर थका दिया है। नहीं पर सुबह से जो थकान थी वो सब निकल गई है। हुंडर विलेज में आप कैमल राइड के अलावा और भी एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे बोन फायर के साथ कैंपिंग, रात में स्टार गेजिंग करना, तारे देखना, जैसा हम जैसलमेर के डेजर्ट में करते हैं वैसा ही। शाम के लगभग 5:30 बज चुके हैं और सूरज लगभग छिप चुका है। देखिए और हम लोगों ने गेस्ट हाउस बुक कर दिया है स्टे के लिए हुंडर में ही, और इस गेस्ट हाउस का नाम है हिमालयन डेजर्ट विला। एक रात के चार्जेस हैं लगभग 2000 रुपए, ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड। चलिए अंदर चलते हैं, आपको रूम दिखाता हूँ। कौन सा रूम है अपना? ये वाला मैं और सौरभ इसमें रहेंगे। ओके सो ये है अपना रूम। अरे मस्त लग रहा है यार, नहीं पूरा लकड़ी का काम हो रखा है इस पे, वुडन की छत है, वुडन की दीवारें, मस्त। बाहर के नज़ारा दिखाते हैं, ये वाला भी खोलो। अरे वाह, ये बाहर का व्यू ठीक ठाक है यार, चलो बढ़िया है।